एनटीपीसी विंध्याचल इलाका तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि एक पार्षद को एनटीपीसी के महाप्रबंधक को पत्र देकर समस्याओं को दूर करने का आग्रह करना पड़ रहा है। सिंगरौली के कांग्रेस पार्षद प्रेम सागर मिश्रा ने एनटीपीसी विंध्याचल के महाप्रबंधक मानव संसाधन को पत्र देकर अवगत कराया कि मुख्य मार्ग विंध्यनगर प्लांट गेट के सामने सड़क काफी जर्जर होकर टूट गई है। इस सड़क से ओवरलोडिंग ऐश लेकर भारी वाहनों का आवागमन होता है और इसी मार्ग से स्कूली बच्चों, मजदूरों सहित आमजन का आना जाना है। इसे तत्काल ठीक करवाया जाए। पार्षद ने कहा कि इस इलाके में पुलिया एवं सड़क बनवाया जाना बेहद जरूरी हो गया है। इसी इलाके में सुबह में 7 से 9 बजे एवं शाम में 5:30 से 6:30 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जाना अति आवश्यक है। एनटीपीसी प्रबंधन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, ये सुरक्षा का विषय है। हम आप सब जनमानस, सब राहगीर भाई और वहाँ पर जो हमारे मजदूर भाई जाते हैं, स्कूली बच्चे उसी रास्ते से जाते हैं, कई दुर्घटनाएं इसके पूर्व में भी हो चुकी हैं। एनटीपीसी इसको तत्काल संज्ञान में ले और वहाँ पे जो रोड सकरी है उसकी चौड़ीकरण और पुलिया चौड़ीकरण करके अपना मार्ग बनाए और ओवरलोडिंग जो गाड़ियाँ जा रही हैं सुबह में जब हमारे मजदूर भाई और स्कूली बच्चे जाते हैं उस समय नो एंट्री कराया जाए और शाम को ठीक इसी तरह से जब प्लांट के हमारे मजदूर भाई निकलते हैं उस समय भी नो एंट्री रहे, भारी वाहनों का आवागमन न हो। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।